गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी टू नर्सिंग पे। और आपको पता है हमारे पास पिछले जब से CHO का नोटिफिकेशन आया है 4500 का, तब से जो है हमारे पास CCS सर्टिफिकेट को लेकर के हमारे पास कम से कम 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं होंगे जो अलग अलग राज्यों से GNM स्टूडेंट करके आए हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि सर मेरा इस पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सबसे पहली बात तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने आपको ये सर्टिफिकेट दिलवाया है, ठीक है। और उन्होंने क्या कह के दिलवाया है ये तो आपको मालूम होगा, और हमसे पूछने से तो वो वैलिड है या नहीं है ये तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हम कई महीनों पहले, हम ये नहीं, जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उस समय भी हमने सबको अवेयर किया था, अभी कुछ दिन पहले आकर के जो वैकेंसी रद्द हुई थी उस समय भी हमने बताया, और आज हम फिर वापस आपको CCS के बारे में बता रहे हैं कि कौन एजेंटों के चक्कर में, दलालों के चक्कर में पड़ करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कौन सेफ हैं, ठीक है। तो CCS जो है वो किसको लेना चाहिए, कौन वैलिड होगा और कौन वैलिड नहीं होगा, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और एक और बात हम आपको बताते हैं कि देखिए हमको आपसे तो कोई दुश्मनी है नहीं, जो GNM वाले कैंडिडेट हैं कोई दुश्मनी नहीं है, और आपको पता है हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम भी एक नर्सिंग स्टाफ ही हैं, नर्सिंग कैंडिडेट ही हैं, और हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ के जो नर्सेस है उसका भला हो जाए, कहीं जॉब लग जाए, तो हम क्यों आपको बोलेंगे कि नहीं आप CCS मत लो, यहाँ से मत लो, मत करो, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें आपसे कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं, ना YouTube से हमें मिल रहा है, ना कहीं से हमको कोई डोनेशन मिलता है। हाँ, हम एक बुक्स को आपको सजेस्ट करके हमको कुछ मिल जाता है तो उसी में हम खुश हैं, लेकिन फिर भी हम आपको हर एक चीज़ों के लिए अवेयर करते रहते हैं कौन सही है और कौन गलत है। और हमें आपसे कोई फ़ायदा नहीं है आपको बोल करके कि नहीं भाई आप CCS मत करो। कल हमारे पास एक कॉल आया था, वो कह रहे थे सर उड़ीसा से हमको कोई CCS के लिए बोल रहा है और 50,000 रुपया जो है मांग रहा है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा कि आपने हमको फ़ोन किया, आपका 50,000 रुपया बच गया। तो ऐसे कई स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए हैं, फ़ोन किए हैं कि हमको हरियाणा से बोल रहा है, हमको दिल्ली से बोल रहा है, हमको NIOS से बोल रहा है। इतने एक्टिव हो गए दलाल कि अपने ग्रुप्स में, जो नर्सिंग के ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज करके बोल रहे हैं। उसका क्या जाता है, एजेंट का तो बन गया पैसा, सर्टिफिकेट आपको दे दिया। हाँ, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है CCS सर्टिफिकेट, लेकिन CCS सर्टिफिकेट आपको पता है जो ग्रामीण हेल्थ सेवक होते हैं गांव सब में, खास करके जो फ्लडेड एरिया है बिहार का, तो वहाँ पे कुछ महीनों के लिए, ठीक है, फ्लड एरिया में कुछ महीनों के लिए CCS सर्टिफिकेट जो लोग किए हुए रहते हैं गांव में उनको एक वॉलंटियर के तौर पे मदद लिए जाते हैं। तो वो CCS अलग है, और ये जो CCS CHO बनने के लिए है ये अलग है। कितनी बार हमने सबको समझाया, उसके बाद भी लोग लगे हुए हैं कि नहीं हमको तो कर ही लेना। हमारे पास तो कुछ ही लोग पहुँच रहे हैं, आप उनका सोचिए जो उन दलालों के चक्कर में, एजेंटों के चक्कर में पड़ करके सर्टिफिकेट ले रहे हैं 20,000, 30,000। हमने पिछला जो 4,050 का आया था CHO का, जिसमें सेम एलिजिबिलिटी था BSc नर्सिंग सेम, उसमें जो लोग बनवा के आए थे नहीं हुआ, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आपका लिया जाता है हेल्थ सोसाइटी में, क्या वो चेक नहीं होते? बिल्कुल चेक होते हैं। चेक होने के बाद ही आपका DB बनता है, सॉरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सच क्या है, CCS जो होता है वो आखिर किन के पास है और किन के पास नहीं है, और GNM के लिए कौन सा वैलिड होगा और कौन सा नहीं होगा, हम आपको दिखाएंगे भी और आप बताएंगे भी, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा जो अपडेट दी जाती है आपको नर्सिंग से रिलेटेड वो आप तक पहुँचता रहे। अब जो वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा हमारे वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको बुरा लगता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच है, वो तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि जो लोग अभी नहीं फंसे हैं वो उससे बच सके, उसका कुछ पैसा बच सके। हमें आपसे कोई ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है कि हाँ हम ये बोल रहे हैं तो आपका नौकरी ना हो, आपका जॉब ना हो, आप CHO ना बन पाए, कोई फ़ायदा नहीं। आपको पता है पैसों के लिए हम काम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं जो कि बिहार के नर्सेस को एकजुट करके एक मंच दिया जाए कि उनका राइट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ये कोई कॉलेज है हिसार का, कर्नाटका का, तो एजेंट यहाँ पे एक्टिव है, स्मार्ट एजुकेशन कॉलेज हिसार है, ये हमारे पास फॉरवर्ड आया था कि इन कॉलेज में सर CCS का सर्टिफिकेट जो है दिया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट एजुकेशन कॉलेज। अब ये कंसल्टेंसी है या कॉलेज है पता नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM, ठीक है, तीन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे हम अलग कर देते हैं BSc और पोस्ट BSc, बिल्कुल सेफ है,
बीएससी पोस्ट बीएससी सेफ है, क्योंकि जिसका 2016 से 2020 यानी 2020 के अपवाद जिसका भी सेशन है, ठीक है, उनको उसके कोर्स जो 4 ईयर के कोर्स होते हैं बीएससी का और 2 ईयर्स का कोर्स होता है पोस्ट बीएससी का, उसमें इंटीग्रेटेड मिलता है, यानी कि उसके कोर्स के साथ ही उसको MLHP या CCH ये सर्टिफिकेट उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल जाता है। और जो 2016 से पहले के लोग हैं, जैसे 2015-19 है या 14-18 है, तो उनको कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जो इसके लिए एलिजिबल यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा उनको CCS का MLHP का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि वैलिड है अगर आप BSc पोस्ट बीएससी हैं तब। लेकिन GNM के कंडीशन में एक बार देख लीजिए, जब आप GNM होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स प्रोग्राम होता है BPCCHN, ये ब्रिज कोर्स प्रोग्राम है, 6 मंथ का इसमें ट्रेनिंग होता है, ठीक है, और ये ट्रेनिंग जो है आपको इग्नू के माध्यम से ही करवाया जाता है GNM को, जबकि BSc और पोस्ट बीएससी को आप ये जो देख रहे हैं कि अदर पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ और सिर्फ BSc और पोस्ट बीएससी के लिए होता है, जबकि GNM के लिए सिर्फ इग्नू से वैलिड है, इग्नू छोड़ करके आप कहीं से भी नहीं कर सकते। और इग्नू में भी कंडीशन ये है कि इग्नू में जब GNM कोई एडमिशन लेगा तो वह गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होगा, यानी गवर्नमेंट जब लिस्ट देगी इग्नू को कि इस कैंडिडेट को आपको CCH करवाना है तभी वो वैलिड होगा, आप खुद से फॉर्म भर के नहीं कर सकते इग्नू से भी। आप इग्नू के साइट पे जाइए, वहाँ पे जहाँ CCH का आप देख रहे हैं 6 मंथ का ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे नीचे देखिए ओनली कैंडिडेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार और हमें कमेंट करिएगा आकर के देख के कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर हम आपको बरगला रहे हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं हमको। तो ये क्वालिफिकेशन आप समझ गए, GNM तभी कर सकता है जब गवर्नमेंट उसको बोलेगी, जब गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करेगी, वह अभी इग्नू के माध्यम से। अब हम आपको इग्नू का वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं जो इनको दिया जाता है। ये देखिए, ये प्रोविजनल है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है उनको दिया जाता है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, इनरोलमेंट नंबर रहेगा, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, और ये कौन सा बैच है यहाँ पे देख लीजिए, जून 2020 का बैच है। ठीक है, तो ये CCH का प्रोविजनल आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको ग्रेड दिखाते हैं इसका, देखिए ये आपका चेक होता है इग्नू के साइट पे। यहाँ पे देखिए आपका इनरोलमेंट नंबर है, नाम है और प्रोग्राम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BPCCHN, ये ब्रिज कोर्स प्रोग्राम है GNM के लिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, क्या आपके आपको जो सर्टिफिकेट दे रहा है उसमें ये सब्जेक्ट है या नहीं, यहाँ पे देखिए BNS 41, BNS 42 और BNS 43, ये इनके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कोड होते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट करिएगा तो आपको जो है सरकार फिर पोस्टिंग कर देगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये है इसका मेन, ये होता है इग्नू के माध्यम से। अब हम आपको दिखाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो देखिए देते हैं। ये है श्री सीताराम, कहाँ है ये यूपी का है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, बाकायदा लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, बस इसी को देख करके स्टूडेंट जो है पैसा निकाल के दे देते हैं कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ लिखा हुआ है, ले लेते हैं, वैलिड होगा ही, और थोड़ा सा एजेंट भी हिंट कर देते हैं कि हाँ भाई वैलिड तो होगा ही, लेकिन उनको नहीं पता है कि हेल्थ सोसाइटी इसको वैलिड नहीं करता है, नहीं करेगा वैलिड, ठीक है। आप यहाँ भी देखिए, ये इसका कोर्स कोड है, सब्जेक्ट देखिए, ये 1 ईयर का होगा, 1 ईयर का कोर्स है, जबकि इग्नू 6 मंथ का कराता है। आप बताइए कैसे सेम हुआ, ये इसको वैलिड नहीं करेगा, आप दे दो इनके लिए 1 लाख रुपये, दे दो 50,000, दे दो 20,000, दे दो, उससे क्या हो गया, नहीं करेगा वैलिड आपका, ठीक है। आप यहाँ भी देख लो, यह भी है एक NIET एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, यह भी नहीं होगा, हमारे पास ऐसे कई आए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, नहीं करेगा वैलिड, आप कुछ भी ले लो, 1 लाख रुपये लगा के ले लो, नहीं करेगा वैलिड, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है हमारे ऊपर कि हम तो ऐसे बोल रहे हैं, तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है, आप इसको ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, बोलेंगे ले सकते हैं, और जब आपका काउंसलिंग के समय जब आपका जॉब हो जाए तो हमें आप ज़रूर बता दीजिए कि हाँ सर इस सर्टिफिकेट पे मेरा जॉब हो गया। उसके बाद एक और आया था मेरे पास, देखिए ये बीएससी वालों के लिए, ये पोस्ट बीएससी, ठीक है, ये देखिए ये पोस्ट बीएससी है, आदेश यूनिवर्सिटी, ये बठिंडा पंजाब में है। MLHP देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ मार्कशीट में ही लिखा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टार क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, यानी MLHP, ये इनका सर्टिफिकेट हो गया मार्कशीट में ही। अब कुछ GNM वाले बोलेंगे सर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो हम भी पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं आप भी, लेकिन ये कैरिकुलम में है, GNM का पढ़ा हुआ वैलिड नहीं होता है, BSc नर्सिंग का पढ़ा हुआ वैलिड होता है, तो इसमें तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं,
पढ़ा सब कोई है, एनम भी कम्युनिटी हेल्थ पढ़ी हुई है, जीएनएम भी पढ़ी हुई है, लेकिन एनम जीएनएम का कम्युनिटी हेल्थ पढ़ा हुआ काम नहीं आता है। जबकि बीएससी पोस्ट बीएससी में अगर आप कम्युनिटी हेल्थ पढ़ते हैं तो उसको जो है एमएलएचपी के तौर पे वैलिड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी है, ये बीएससी वालों के लिए है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये सर्टिफिकेट होता है कंप्लीशन का, नेम फादर नेम यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग फोर ईयर कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ एमएलएचपी सीएचओ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ नर्सिंग रामा यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कानपुर। ये सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। जीएनएम को दिक्कत है, आप नहीं करिए, पैसा बर्बाद मत करिए। इतना बोलने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है सर झूठ बोल रहे होंगे, तो आप कर सकते हैं, आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। जब आपका जॉब हो जाए या नहीं हो जाए, हम तो चाहेंगे हो जाए, अगर नहीं हो भी तो आप उनको एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को बता सके कि नहीं भाई आपने आपका हो गया। नहीं भी होता है तो बता दीजिएगा, क्योंकि और तो फिर अवेयर करना है कि नहीं हो रहा है मत करना, ठीक है, अपने रिस्क पे करना। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने बताया सर ने बताया कर लो तो कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने आपको सारा कुछ मैटर बता दिया है, ये बातें हैं, और आपको इसके बाद भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी सीएचओ के बाद स्टाफ नर्स 2500 की वैकेंसी आ रही है, जो जीएनएम वाले हैं फ्रेश जीएनएम है, आप स्टाफ नर्स की तैयारी लग जाइए, ठीक है, स्टाफ नर्स की तैयारी के लिए। और जो बीएससी वाले देख रहे हैं वीडियो, पोस्ट बीएससी वाले देख रहे हैं, अगर आप सीएचओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और जीएनएम वाले स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन बुक है, हम बुक सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और वो बुक जो है यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा। बुक का कीमत मात्र 600 रुपया है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, आपको डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं देना है। बेहतरीन बुक के साथ आपको सारे कंटेंट एक ही बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद की पॉइंट्स, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग राज्यों में उसका क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा सजेस्टेड बुक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क करें, हम आपको बुक का सैंपल दे देंगे, और सैंपल देखने के बाद आप हमें हमारे माध्यम से आपको बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको हमें हमारा हम जो है आपको बुक आपके पते पे भिजवा देंगे, ठीक है। ये बुक है बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने स्टाफ नर्स की तैयारी और सीएचओ की तैयारी को बेहतर करें तो यह बुक जो है हमारे भरोसे पे, मेरा ट्रस्ट है, एक बार बुक लें, अगर बुक पसंद ना आए तो आप हमें वापस से मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद हम आपका बुक जो है रिटर्न ले लेंगे। ये मेरी गारंटी है कि बुक जब आपके पास पहुंचेगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं, हमको आप एक बार धन्यवाद जरूर बोलिएगा, इतने अच्छे बुक है, ठीक है। और बाकी अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सही या गलत, और आपको कमेंट का जवाब जो है हमारे तरफ से दिया जाएगा। बाकी आप लोग अवेयर रहें इस तरह के लोगों का, जब जब इस तरह के लोग एक्टिव होंगे तो हम जैसे लोग जो है आगे आएंगे, चाहे हमें कोई फ़ायदा हो या ना हो। पैसा कमाने के बहुत तरीके, बहुत ऐसा मौका मिला जहाँ पे हम कमा सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग समझते हैं तो आप लोग समझ जाइए, और बाकी ऐसे लोग तो रहेंगे ही, सब दिन रहेंगे। आपको अवेयर होना है, आपको सजग होना है ताकि आपके साथ जो है कोई धोखा ना कर पाए। आप देख लीजिए एमपी का हाल है या फिर झारखंड का हाल है, बिना आईएनसी कॉलेज में एडमिशन करवाया और अभी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी वैकेंसी जो है अभी तो थोड़ा डिले हो जाएगा, अब क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट ने जो आरक्षण का जो सीमा था 65%, पहले जो आपका 65% था उसको जो है कम कर दिया है, पिछले पहले जितना आरक्षण का जो सीमा था उसी सीमा को जो है मानने के लिए सरकार को बताया गया है, इसीलिए थोड़ा सा जो है अब डिले होगा इन सब चीज़ों में। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर, थोड़ा सा समय लगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है गवर्नमेंट साइड, सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से जो है वैकेंसी का रूपरेखा तैयार होगा। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, जैसे ही आता है वैकेंसी आपके पास जरूर पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।